आप लोग शॉर्ट नोटिस के ऊपर आपको यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग शरीक रहे। बहरहाल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मालेगांव शहर की आवाम के लिए बहुत फायदेमंद है इंशाल्लाह। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है वो मालेगांव शहर के पानी के मसाइल के ऊपर, हर घर पानी हर दिन पानी, ये हमारा स्लोगन है, हर घर पानी हर दिन पानी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस बात की डिमांड करती है, मुतालबा करती है कि मालेगांव शहर की आवाम को, मालेगांव शहर की माँ बहनों को रोजाना पानी मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दे। 10 साल पहले जनगणना हुई और उस वक्त जो हमारे मालेगांव शहर की आबादी थी वो 5,90,000 थी और 10 साल गुजर जाने के बाद एक अंदाज के मुताबिक 10 लाख आज आबादी है। आप लोगों को पता होगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनने के बाद और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पहले मालेगांव शहर में पानी का बहुत संगीन मसला हुआ करता था, पीने के पानी का। मुजाफात के इलाकों से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर काफी मोर्चा वगैरह आया करता था, पानी की टंकियां कम थी, पाइपलाइन कई इलाकों के अंदर नहीं थी, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनने के बाद जिस वक्त मैं मेयर बना उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से PCIDS स्कीम के तहत मालेगांव शहर में गली गलियों के अंदर पाइपलाइन डाली गई, नई पानी की टंकियां बनाई गई और वो स्कीम जब खत्म हुई तो UIDSSMT जो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत शहर में हर इलाकों के अंदर जहां जहां बस्तियां थी, जहां जहां पानी की पाइपलाइन नहीं थी, जहां पर पानी की टंकी की जरूरत थी, उस स्कीम के तहत भी पानी की टंकियां बड़े पैमाने के ऊपर शहर के अंदर बनी। और उसके ये स्कीम जब खत्म हुई तो अमृत अटल योजना आई और जहां पर पानी की लाइन नहीं थी मुजाफात के इलाकों में, वहां पर पानी की पाइपलाइन डालने का काम कंप्लीट किया गया और आज मालेगांव शहर में 52 पानी की टंकियां हैं। UIDSSMT और जिस वक्त मैं मेयर था TCIDS सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जब मालेगांव शहर के अंदर लाई गई और पानी की टंकियां और पाइपलाइन डाली गई, UIDSSMT और जिस वक्त मैं मेयर था TCIDS सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जब मालेगांव शहर के अंदर लाई गई और पानी की टंकियां और पाइपलाइन डाली गई तो हुकूमत से एग्रीमेंट किया गया। हुकूमत ने जब स्कीम हम लोगों की मंजूर की तो उसमें ये शरायत लिखी हुई थी कि जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होता हर साल 5% पानी पट्टी बढ़ाकर ली जाएगी शहर की आवाम से,
और आज जो मेरे पास मालूमात है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, मैंने जो मालूमात लिया हूं, जो पहली स्कीम थी वो भी कंप्लीट हो गई, जो दूसरी स्कीम थी वो भी कंप्लीट हो गई, और जो तीसरी स्कीम थी वो भी कंप्लीट हो गई। यानी पानी पट्टी भी बढ़ाई गई और स्कीम भी कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले तो मैं ये आखिरी में बोलना चाहता था, लेकिन मैं वही बोल देता हूं कि कई लोगों ने कोशिश की कि पानी 5% जो वाड़ किया जा रहा है अब इसको कंट्रोल में कर दिया जाए, रोक दिया जाए, अब हर साल ना बढ़े। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का ऐलान करता हूं कि 5% जो वाड़ हो रही है, कानूनी बात यह है कि जब स्कीम कंप्लीट हो गई तो अब इसके अंदर कोई वाड़ नहीं होना चाहिए और ना नफा ना टोटा के तहत ये स्कीम चलना चाहिए, आवाम को पानी मिलना चाहिए। और इसके लिए मैं कोशिश करूंगा, कॉर्पोरेशन के जरिए हुकूमत तक जाऊंगा, और अगर इस शहर की आवाम ने आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम लोगों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अगर अक्सरियत दी, मेयर हमारा बना, तो इसके बाद 5% पानी जो वाड़ करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हम लोग वो होने नहीं देंगे और उसको हम यहीं पर रोक देंगे, क्योंकि स्कीम कंप्लीट हो गई। दूसरी बात, कई लोगों ने कोशिश की कॉर्पोरेशन के कमिश्नर हो वक्त के, या वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के इंजीनियर हो या सिटी इंजीनियर हो, कई सियासी पार्टियों ने इसके ऊपर तहरीक भी चलाई, कई सियासी पार्टी ने मुतालबा करती रही, लेकिन प्रशासन जो है वो बहुत चालाक है, उसने हर वक्त टालने की कोशिश की, गलत मालूमात देने की कोशिश की, और जो लोगों ने भी तहरीकें चलाई या जो लोगों ने भी मुतालबा किया उनको नाकामी हाथ लगी, क्योंकि उनकी मालूमात में कमी थी, उनको नॉलेज नहीं था, या वो प्रैक्टिकल उन्होंने कभी समझने की कोशिश नहीं की, सिर्फ सियासत करने की कोशिश की होगी। लेकिन आज जब मैं बैठा हूं आप लोगों के सामने, चंकापुर डैम से हमारा जो आरक्षण है वो 1200 एमसीएफटी का है, और हमको जब रोटेशन छोड़ा जाता है, जब वो तलवाड़ा डैम में आता है तो हमको रोटेशन के हिसाब से 300 एमसीएफटी पानी हम लोगों को मिल जाता है, और मुकम्मल पानी 100% पानी हम वहां से उठाते हैं और आवाम उसका इस्तेमाल करती है और कॉर्पोरेशन आवाम को देती है। और गिरना डैम से हमारा 900 एमसीएफटी आरक्षण है, रिजर्व है हमारा पानी, लेकिन हम लोग जो पानी उठाते हैं सालाना वो सिर्फ 500 या 550 एमसीएफटी उठाते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं उठाते हैं, और ना एक दिन नागा करके पानी हम लोग सप्लाई करते हैं। लेकिन अभी अगर हम लोग शहर मालेगांव शहर के आवाम को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रोजाना पानी अगर देना चाहती है तो बहुत बड़ा मामला नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या बहुत बड़ा खर्च आने वाला है, ऐसा नहीं है। बस कमिश्नर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग कमिश्नर से टाइम लेंगे और कमिश्नर से ये कहेंगे कि पूरे अधिकारियों को लेकर हमारे साथ राउंड टेबल मीटिंग करें, हम एक एक आंकड़ा उनको बताएंगे, एक एक मालूमात हम देंगे, टेक्निकली मालूमात देंगे कि किस तरीके से रोजाना पानी आवाम को दिया जा सकता है। अगर कुछ फिगर हमारे अपने पास
हम लोगों ने जो फिगर की मालूमात ली है अलग अलग टेक्निकल जराए से, तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए वाटर सप्लाई इंजीनियर पूरे शहर में आज सिर्फ दो है। उसी के साथ साथ वाल्मीन जो हमारे अपने हैं वो 120 है, ऑपरेटर जो हमारे है वो सिर्फ 7 है, जो टेक्निकल इंजीनियर है गिरना डैम के लिए वो 3 है पंपिंग के लिए, और हमारे 52 पानी की टंकियां आज भी है, 4 वाटर पंप चल रहे हैं, और हमारे रोज एक दिन गैप करके जो पानी दिया जाता है सुबह 4 बजे से रात में 12 बजे तक सप्लाई दी जाती है। यह आज की सूरत हाल है। मैं आपके जरिए शहर की आवाम को यह मालूमात देना चाहता हूं और प्रशासन तक भी ये बात पहुंचाए आप, ये गुजारिश करता हूं, और नहीं तो टेबल के ऊपर बैठ के मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको डाटा बता रहा हूं, बाकी डिटेल मेरे पास बहुत कंप्लीट डाटा मौजूद है जो मैं कमिश्नर और टेक्निकल डिपार्टमेंट के सामने रखने वाला हूं। हम लोगों को कोई नया पानी का आरक्षण नहीं करना पड़ेगा, पहले बात ये बात को समझ लीजिए। जो चंकापुर से जितना रिजर्वेशन है, जितना गिरना डैम से हमारा रिजर्वेशन है, वो पानी हम लोगों को रोजाना सप्लाई करने के बावजूद भी पानी बचेगा। पानी नया हम लोगों को हुकूमत से नया रिजर्वेशन में मंजूर कराने की जरूरत नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात, कम से कम 6 इंजीनियर की पोस्ट निर्माण करे कॉर्पोरेशन, 6 इंजीनियर कम से कम, जो फीडर होते हैं जो वाल्मीन से काम लेते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 30 वाल्मीन की भर्ती करे, फीडर की भर्ती करे, और वाल्मीन जो है जो 120 है उसको 250 करना पड़ेगा, 250 करना पड़ेगा, वो 250 करे, और जो ऑपरेटर है वो 10 होना चाहिए कम से कम, जो टेक्निकल इंजीनियर है वो कम से कम 4 होना चाहिए, और जो गिरना डैम के ऊपर जो पंप हमारे 8 पंप है जो अभी सिर्फ 4 पंप चल रहे हैं और 4 पंप बंद है, मेरी जो मालूमात है तो उसका टेंडर निकला है, उसके लिए 3 करोड़ रुपया बजट भी मंजूर किया गया है, कोई कंपनी ने काम किया है, वो 8 पंप हमेशा शुरू रहना चाहिए, और 6 पंप अगर कंटिन्यू चलेंगे तो हमको एक रोजाना पानी सप्लाई हो सकता है, और 2 पंप हमारे पास रिजर्व रहना चाहिए, अगर कोई फॉल्ट होता है दूसरे पंप पर तो उस पंप से हम लोग सप्लाई दे सकते हैं, पानी उठा सकते हैं। ये एक शॉर्ट डाटा मैंने आप लोगों के सामने दिया, और ये अगर कॉर्पोरेशन करती है, प्रशासन करता है, तो यकीनन शहर को रोजाना पानी मिलेगा, और इसके लिए अगर हम लोगों को पोस्ट का निर्माण करना पड़े, परमानेंट जॉब के लिए भर्ती करना पड़े इंजीनियर की, वॉलमैन की, फिटर की, या टेक्निकल इंजीनियरियों की, जो भी भर्ती करना है, तो वो प्रोसीजर शुरू रखे आप कॉर्पोरेशन, लेकिन टेपर वाली मानधन के ऊपर ये तमाम ही पोस्ट भर लिया जाए और उनको अच्छा मानधन दिया जाए, टेपर वाली जॉब उन लोगों को दे दिया जाए, और उन लोगों से ये काम अगर लेने की हम लोग शुरुआत करेंगे कॉर्पोरेशन कमिश्नर, तो जरूर हम लोग 6 महीने में रोजाना पानी देने की सूरत पानी दे सकती है कॉर्पोरेशन, और नलों के अंदर पानी आ सकता है रोजाना हमारी मां बहनों को। हम लोग ने देखा, महसूस किया कि अगर हमारी शादी है और अगर नल का टाइम उसी दिन है हमारी उस इलाके के अंदर, तो मां बहनें शादियों में नहीं जा पाती क्योंकि वो इंतजार करती है पानी का।
क्योंकि एक दिन गैप करके आता है। तो ये बहुत सारी शिकायत जो माँ बहनों की है, शहर के आवाम की है, तो ये बहुत बड़ा मसला हमारे शहर का है। हम रोजाना पानी दे सकते हैं अगर ये सारी टेक्निकली चीजें अगर दूर कारपोरेशन ने कर ली और इस पर अगर काम हुआ सही ढंग से 6 महीने के अंदर, तो रोजाना पानी सप्लाई हो सकता है शहर की आवाम को। अतिक्रमण का हम लोग बार बार, आप लोग भी मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए, या सियासी लीडरान, या सोशल वर्कर, या अलग अलग पार्टियां, तंजीमें, या डॉक्टर्स, ये सब अपील करते आए हैं कि अतिक्रमण कम करो, अतिक्रमण हटना चाहिए, रोड रास्ता चौड़ा होना चाहिए। लेकिन उसकी बुनियादी वजह हम लोगों ने ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो एक दिन गैप भर के पानी दिया जाता या 2 दिन गैप भर के पानी गर्मियों में दिया जाता, तो आवाम अपने घरों के बाहर में पानी की सीमेंट की टंकियां रख लेती, 1, 2, 3, 4 पानी स्टोर करने के लिए। और आप देखेंगे हर गली में, चाहे वो 10 फीट की गली हो, 40 फीट की गली हो, 60 फीट की गली हो, हर घर के बाहर आपको 4-5 टंकियां मिलेगी। और यही कारण है, यही वजह है जो अतिक्रमण भी बढ़ रहा है, उसी के सारे अतिक्रमण बढ़ता है। अगर ये बुनियादी मसला अगर हल कर लिया जाए, तो यकीनन ये शहर के अंदर रोजाना पानी भी मिलेगा और अतिक्रमण भी कम होगा। यह हमारी अपनी डिमांड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की डिमांड रहेगी। और म्युनिसिपल कमिश्नर से मैं कल मिलकर एक मीटिंग लगाने का डिमांड करूंगा। और टेक्निकल मैं वो शॉर्ट आप लोगों को बताया हूं, मेरे पास बहुत पूरा डाटा आ चुका है। मैं कई दिनों से इसके ऊपर कोशिश कर रहा था, डाटा जमा कर रहा था, मालूमात दे रहा था कि कैसे ये मसला हल हो सकता है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की लेडीज विंग जो हम लोग जल्द बनाने वाले हैं, और हमारे सभी राष्ट्रवादी के अलग अलग विंग के सभी सदर और कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मालेगांव के, ये मसले को लेकर आखिरी तक लड़ेंगे। जरूरत पड़ने के ऊपर एहतजाज करना पड़े तो एहतजाज भी किया जाएगा, लेकिन हमारा सबसे पहला अब काम होगा, पहली तहरीक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की होगी मेरी सदारत के अंदर। जो लंबी तहरीक भी चलाना पड़े तो हम लोग तैयार है, लेकिन इस मामले को हल कर ही हम लोग अब दम लेंगे। अब इसके अंदर कोई कंप्रोमाइज हम लोग नहीं करेंगे। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद हमारा अपना था। मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि टेक्निकली मुद्दे के ऊपर हम लोग ये तहरीक खड़ा करेंगे, टेक्निकली मुद्दे के ऊपर कमिश्नर से, प्रशासन से बात करेंगे, और एक एजेंसी अच्छी बाहर के शहर की, मेट्रो सिटी की एक आज एजेंसी लाए, पंपिंग का काम उसको दे, पंप का उसको कॉन्ट्रैक्ट दे, वार्षिक टेंडर दे। और इतना हो सकता है कि जब हम 8 पंप चलाएंगे तो उसका बिजली बिल बढ़ेगा, तो उसके लिए शेख रशीद साहब ने एक ठहराव पहले से पास किया है कि वहां पर सोलार सिस्टम से बिजली तैयार की जाए, उसके ऊपर भी अमल होना चाहिए ताकि बिजली का बिल भी ज्यादा ना हो। ये तमाम ही चीजें इस शहर के लिए ये जरूरी है। दूसरी बात, मालेगांव शहर के अंदर होता ही आया है, हमेशा ये होता आया है कि कोई मालेगांव शहर के फ्यूचर की तरफ नहीं सोचता कि आबादी कितनी बढ़ रही है तो हमको क्या करने की जरूरत है। हम फ्यूचर की तरफ कभी नहीं सोचा जाता। आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो शेख रशीद साहब ने सोचा, 1994 में ही सोचा, सदर बल्दिया बने उस वक्त, कि शहर में पानी की जरूरत पड़ेगी, गिरना डेम स्कीम मंजूर करवा के शेख रशीद साहब ने लाए। आज अल्लाह का करम है, पानी मिल रहा है। इसी तरीके से मैं मेयर बना उस वक्त, ये जो स्कीम आई, ये स्कीम भी जाकर मंजूर करने का काम दिल्ली में खुद गया हुआ था। उस वक्त के कमिश्नर कल्याण केलकर साहब मेरे साथ थे, जाधव साहब मेरे साथ थे, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने मंजूरी लाई थी। ये फ्यूचर प्लानिंग थी। और आज देखिए आप, पानी आज मुजफ्फरपुर के इलाकों में पानी की पाइपलाइन पहुंची, पानी की टंकियां बन गई, सप्लाई लोगों को मिलने लगा। लेकिन आज भी मेरा ऐसा मानना है कि ये तीनों स्कीमें तो बंद हो गई है। अमरुद भी बंद हो गई, उसका भी बिल फाइनल हो गया, स्कीम खत्म हो रही है, लेकिन
अब जो भी 20% काम रह गया, जो जिस तरीके से मालदा शिवार बढ़ रहा है, जिस तरीके से दरेगांव बढ़ रहा है, जिस तरीके से दयाना बढ़ रहा है, तो ये जो आबादी है या हमारा कैम और सुमकशेर का इलाका, भाईगांव का इलाका बढ़ रहा है, तो वहां पर पानी की पाइपलाइन की अब जरूरत होगी। इसके लिए हुकूमत की अभी जो स्कीम चल रही है वाटर सप्लाई की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट 50% पैसा देती है, 25% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है, 25% कॉर्पोरेशन को देना पड़ता है, तो ऐसी एक स्कीम बनाकर कम से कम 100 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन ने बनाना चाहिए। ये भी हमारी डिमांड रहेगी फ्यूचर के लिए। और नहीं तो होगा ये कि जब आबादी बढ़ जाएगी तो फिर जनरल फंड से काम करना पड़ेगा, और जब जनरल फंड से काम करना पड़ेगा तो पैसा कॉर्पोरेशन के पास नहीं होगा, और इसके लिए फिर वो मुजाफात के अंदर जो इलाके बस रहे हैं उसके अंदर पानी की तकलीफ आ सकती है। इसके लिए वो भी प्रोजेक्ट होना चाहिए। इस तरीके से पानी के मसले के ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जरूर कोशिश भी करेगी, कॉर्पोरेशन की जरूरत पड़ने पर हुकूमत से मदद भी करेगी, और अगर प्रशासन ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम लोग तहरीक भी खड़ा करेंगे, और आर और पार की लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और सभी विंग हमारी तैयार रहेगी। इस बात का मैं ऐलान करूं, आपने ऐलान किया हर घर पानी, हर दिन पानी, कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड के हिसाब से पूरे शहर में 68 किलोमीटर का रेंज है, लेकिन आपने ये बोला सरकार की स्कीम के तहत पानी की पाइपलाइन पहुंची, लेकिन हमारी मालूमात के हिसाब से कई इलाके ऐसे भी है आज भी पानी से महरूम है। तभी मैंने बोला ना कि 100 करोड़ का नया प्रोजेक्ट बनाओ, 20% आज भी पानी नहीं पहुंचा है, तो आगे का मसला है, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं है ना। ऐसा है कि आगे का मसला है तो ही मैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए बात कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे सब होता है। तो हम लोग हर चीज के ऊपर मैं समझता हूँ, मैंने जवाब दे दिया। एक साहब, आप बताते हुए ये बताया कि अगर हमको अक्सरियत मिली तो 5% इजाफा जो है वो ख़त्म कर देंगे, तो ये इजाफा इस साल से क्यों नहीं है? अगर अभी मुतालबा आप करेंगे तो अभी नहीं हो सकता कि ये आपको अक्सरियत मिलेगी, ये भी हो सकता है क्या? जैसे आज की तारीख में जो है अगर आप डिमांड इतनी सारी डिमांड करेंगे तो ये क्यों नहीं है? असल में ऐसा है कि हम डिमांड तो ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी फिलहाल यहाँ पर कोई उदा नहीं है, हमारी मेजॉरिटी नहीं है, अलग अलग पार्टियों की मेजॉरिटी यहाँ पर है। मैं जब हम लोगों को मुकम्मल इक्तदार पावर मिल जाएगा तो हम हक से हल कर सकते हैं। अगर मैं आज बोल चुके मैं कल हल करवा दूंगा, फिर कल आप लिखेंगे आसिफ भाई, फिर वीडियो चलेगी 2 मिनट की, उन्होंने तो कहा था। इसलिए हर चीज़ को कूक कूक कर कदम रखना पड़ेगा, और ये लड़ाई लंबी है और इसको लड़ना पड़ेगा। ये इल्ज़ाम भी तो अभी भी लगता रहा है कि 5% जो है आपके मेयरशिप में बढ़ा, तो ये इतना बहुत लंबा गैप हो गया जो है, ये हर साल बढ़ते बढ़ते इतना नफा ना टोटल नहीं होना। आपने असल में मेरी पूरी बात को नहीं सुना, समझा मेरी बात को? इलेक्शन में भी ये मुद्दा उठता है ये पानी का, मैं अभी तलवारा डैम, चंकापुर डैम, यही सब चलता है। आपका जवाब मैं दे रहा हूँ, असल में आपने मेरी मुकम्मल बात नहीं सुना। मैंने क्या कहा कि एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि 5% बढ़ने की जो बात थी, एग्रीमेंट हुआ था स्कीम के तहत, स्कीम के अंदर ये शरायत थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्या आप जब तक स्कीम कंप्लीट नहीं होती जब तक के लिए 5% तुमको बढ़ाना है। लेकिन आज मेरी मालूमात ऐसी है कि स्कीम कंप्लीट हो रही है या हो गई, तो आप इसको बंद कर देना चाहिए। तो हो सकता कि स्कीम का कोई पार्ट रहे तो नहीं गया, वो मालूमात अगर मिल जाए तो जरूर इनको बंद करना पड़ेगा। तो मुआहिदा गवर्नमेंट से हुआ है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गवर्नमेंट से मुआहिदा किया है। जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट कॉर्पोरेशन उनको ना दे देवे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, और वही कंप्लीशन सर्टिफिकेट के ऊपर ही हमको ये बंद करना पड़ेगा।